सड़क से दोस्ती है, सफर से यारी है। सड़क से दोस्ती है, सफर से यारी है। देख तो ऐ दोस्त, क्या जिंदगी हमारी है। अस्सलामु अलैकुम मौजिज़ सामईन कराम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 पे रंगीला देश मेरा। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। मेरे देश की हर धूप अनोखी, हर छांव निराली है। सच कहूं तो मेरे देश की हर बात निराली है। यहाँ की सकाफत, यहाँ का लोक विरसा अपने आप में एक मिसाल है। वतन, मेरी मिट्टी जिसने हजारों गोहरे नयाब को जन्म दिया, इसी मिट्टी में एक ऐसा फन आबाद है जो सिर्फ मेरे वतन की जीनत है। इस फन का नाम है ट्रक आर्ट। ट्रक नहायत ही महारत और खूबसूरती से सजाए जाते हैं कि देखने वाले की अकल दंग रह जाती है। हमारे मुल्क के इस फन को समुंदर पार भी सराहा गया है। अमेरिकन एजेंसी फॉक्स न्यूज ने इसको जिंगल ट्रक का खिताब दिया है। पाकिस्तान में जो कारीगर ये काम कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर का ये खानदानी पेशा है जो इन्हें अपने बाप दादा से विरासत में मिला है। और इनका कहना है कि असीं वीरे फुल पत्ती दा काम करने आ, ते जिंदे तो अच्छा गुजारा हो जांदा साडा। ते इक ट्रक जेड़ा ना असीं 6 दिन च तैयार कर लैने आ, सोहना गुजारा हो जांदा है। ते साडे वड्डिया ने सानू कारोबार सिखाया है। साडा दादा कारोबार करदा सी, ते फिर साडा प्यो भी करन लग पिया, ते हुण अल्लाह दा शुक्र असीं करने आ, ते सोहना गुजारा हो जांदा है। ते बाहर दे लोग इहनूं बहुत पसंद करेंदे आ। ये ट्रक हमारी सकाफत का हर तरफ बेमोल चर्चा करते हैं, और ये सिर्फ सकाफत के फरोग के लिए ही नहीं, बल्कि इनके जरिए बहुत अहम मुआशरती मसाइल की अक्कासी भी की जाती है। एक ट्रक आर्टिस्ट जो पैगाम मुआशरे को देना चाहता है, वो वही बनाता है। हमारे ट्रकों पे तालीम निस्वा, अमन, पाक फौज की सलामती जैसे पैगाम दिए जा चुके हैं। लोगों को अक्सर यही लगता है कि ये काम सिर्फ निचले तबके के लोग ही करते हैं, जबकि ये मुकम्मल हकीकत नहीं है। हमारे ही मौशरे में एक काबिल शख्स मौजूद है जिसका नाम इनाम इलाही है, जो इसी शोबे से वाबस्ता है। ये बजाहिर एक निजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मगर शौक और लगन के हाथों मजबूर होकर ये फन वो कराची से मशहूर उस्ताद हैदर अली से सीख कर आए हैं। और इनका कहना है कि मैंने पेंटिंग का भी डिप्लोमा किया हुआ है, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी किया हुआ है, और ये मैकेनिकल का भी मैंने किया हुआ है। लेकिन मेरा शौक इंटरेस्ट मतलब इस तरफ था, तो वहाँ मेरे शुरू से, क्योंकि वाले साहब भी जॉब थी टेक्सला में ना, वहाँ हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स में, वहाँ वो डिजाइन के अंदर मतलब मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो वहाँ फिर मैंने लोकल जो एक पेंटर था ना, उसके पास मैंने जाना शुरू किया ये सीखने के लिए। फिर वहीं एक वर्कशॉप थी लोकल ट्रक आर्ट की, वहाँ मैंने कुछ अच्छा जाता था।
फिर काम का शौक और बढ़ा तो लाहौर से आगे मैंने डिप्लोमा किया पेंटिंग का, उसमें राइटिंग, कैलीग्राफी, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये चीज़ें जो उनसे हैं ना, एक साल का वो था इनिशियल जो चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो उन्होंने बताई। तो फिर ये कि फील्ड में जो सा, फिर मैंने फैसलाबाद में भी काम किया, फिर कराची में चला गया, तो वहाँ फिर मैं अटैच रहा मुख्तलिफ जो फेमस एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उनके साथ मैंने एज एन आर्टिस्ट काम किया, और वहीं फिर मेरी मुलाकात हैदर अली से हुई जो कराची में मतलब कि फेमस आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के ना, मतलब दुनिया में भी जाके काम किया उन्होंने, फिर उनके साथ मैंने तकरीबन 10-12 साल काम किया।